बहुत ही बढ़िया है ये, क्या बढ़िया एरिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सक्षम, आप देख रहे हो जम्मू साइकिल राइडर्स चैनल। और गाइस स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। एज यूजुअल आज है संडे और वापस से हम जाने वाले हैं राइड पर। पीछे हमारी साइकिल लगी है बट ये वाली आज नहीं लेकर जाने वाले। गाइस आज की राइड जो है वो हम रेड वाली बाईसाइकिल पर करेंगे। और काफ़ी समय से रेड वाली बाईसाइकिल पर मैं कोई भी राइड नहीं की, काफ़ी समय से इवन मैंने उसे देखा भी नहीं है। तो पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी, क्योंकि 2-3 महीने से मैंने उसे देखा भी नहीं है। और घर के पीछे एक स्टोर है, उसके अंदर मैंने उसे रखा हुआ है और स्टोर को बाहर से लॉक्ड रखा था, तो इसलिए काफ़ी समय से मैंने उसे खोला भी नहीं और अभी तक देखा भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपनी साइकिल को निकालूंगा, उसकी कंडीशन देखता हूँ कितनी गंदी है, और वो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि ब्लैक वाली लेके जानी है रेड वाली। तो गाइज़ एक बार साइकिल की हालात देखो, बहुत ज़्यादा गंदी है अभी तो। पीछे देखो तो मकड़ी के जाले भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात में। इसका मोबाइल होल्डर भी टूटा हुआ है, तो सब कुछ इसका ठीक कराना है अभी तो। मोबाइल होल्डर इसका नया लेना है मैंने, और टायर तो अभी इसका नया ही है, एयर प्रेशर थोड़ा कम है, वो भी ठीक कर लेंगे। तो इसको साफ़ कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं, उसके बाद चलते हैं अपनी राइड पर। तो गाइज एज़ यूजुअल सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं त्रिलोकपुर जा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था कि त्रिलोकपुर वाला एरिया भी कवर करो, वो अच्छा है। तो आज जा रहा हूँ उस साइड में, एक बार भी नहीं गया हूँ, अभी उस साइड जाऊँगा और राइड पर जा रहा हूँ सुबह ये कहते हैं। अभी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि राइड आज थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, हो सकता है वीडियो भी छोटी हो, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम की मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, और वो एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे के बीच में है। हो सकता है कि राइड मेरी थोड़ी छोटी हो, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दूं। यहाँ से अभी हम जाएंगे त्रिलोकपुर, रास्ता मुझे पता ही नहीं है, तो गूगल मैप ही यूज़ करके हम जाएंगे आगे राइड पर। और अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप अपने DM कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, आपने कोई जगह सजेस्ट करनी है, ये आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक राइड पर जाएं। यहाँ पे आप देखिए रोड की कंडीशन देखिए सबसे पहले तो आप, और ये देखिए ऑटो वाले चचा कहाँ आ गए हैं। आधी रोड तो ट्रक नहीं कवर कर रखी यार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी कहीं पर भी रेत मिट्टी पत्थर सब होते हैं यहाँ पर, आधी से ज्यादा रोड तो यही चीजें देखो यहाँ पे। और ये जो होती है ना बजरी होती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई लोग तेज आते हैं ना, और अगर जैसे आप इसके ऊपर कभी ब्रेक अप्लाई कर दो तो वो फिर आपकी जो भी व्हीकल है वो स्किड हो जाता है, बहुत खतरनाक। तो गाइज आप लोग व्यू देखिए, क्या बढ़िया एरिया है। घर वगैरह होते हैं, सुबह सुबह क्रैश हो गया, ज्यादा कंटेंट देखने को मिला नहीं मुझे, पता नहीं भाई, या तो शायद मैं किसी गलत त्रिलोकपुर में आ गया, शायद मैं मेन जगह पे सही जगह पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि
मैंने गूगल मैप्स पे जब सर्च किया तो उसने तो बस त्रिलोकपुर विलेज की स्टार्टिंग में उसने मुझे रोक दिया जहाँ त्रिलोकपुर माता का मंदिर था। उसके बाद मैं खुद ही जहाँ पर भी जा रहा था खुद जा रहा था, तो हो सकता है कोई टर्न मैंने गलत ले लिया जिसकी वजह से मैं सही जगह पर पहुँच नहीं पाया। ये शायद इतना ही कंटेंट वहाँ पर देखने को मिला। सुबह सुबह भाई क्रैश हो गया, इसलिए कहता हूँ हेलमेट पहनो। शाम को चलेंगे यार कहीं बढ़िया जगह चलेंगे यार, मतलब पता नहीं क्यों यार मज़ा नहीं आया आज। सुबह इतनी बोरिंग राइड कभी भी नहीं हुई। आपकी कभी कैंप रोड पे चल रहा हूँ मैं, अभी तालाब तेलों की तरफ जा रहे हैं और शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और इस समय मैंने कभी भी अपने एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे नहीं पता आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है। बट अगर नहीं आ रही होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि मुझे पता तब लगता है जब मैं वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ। और आज की वीडियो में थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखनी चाहिए, छोटी रखनी चाहिए, तो इसलिए इस वाली वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करूँगा। जिन भैया ने मुझे रेकमेंड किया था कि त्रिलोकपुर जाना चाहिए, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि मैं गलत लोकेशन पर चला गया था, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द कवर करूँ त्रिलोकपुर वाले एरिया को, क्योंकि वो बहुत बढ़िया एरिया है। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ भी भेजी उस जगह की और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उधर भी जल्द से जल्द जाएँ। देखते हैं नेक्स्ट संडे शायद वहाँ पे चले जाएँ। सुबह के समय आपने देखा गाइस कैसे मैं अंदर गिर गया, तो उस समय मैंने स्लीपर पहनी हुई थी जो कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने जितनी भी राइड्स की हैं मैं सब पे शूज़ पहनता हूँ, अभी भी शूज़ पहने हुए हैं, बट सुबह के टाइम मैंने जब गूगल मैप्स पे चेक किया तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि चलो शूज़ ही स्लीपर ही पहन के चलते, शूज़ कौन पहनेगा इतनी ऐसे। तो उस समय पर आपके पास अगर आपने स्लीपर पहने हुए हैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है आपको चोट लगने का। अंकल साइकिल यहाँ लगा लूँ? नहीं, साइड में लगाओ, उस साइड आप देख रहे हो ना यार, आप देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अंकल ये इसकी पर्ची कितना है? 20 रुपये। इसके 20 रुपये? नहीं आपके भी, इसके भी 20। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 7 और मैं अभी JDA पार्क में आया हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है लाइटिंग। तो अभी मैं JDA पार्क में आया हूँ और यार वहाँ के जो अंकल हैं जो यहाँ पे बैठते हैं बहुत अच्छे हैं यार। मैंने उन्हें बोला कि अंकल मेरी बाइसाइकिल का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बाइसाइकिल पार्किंग की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है स्पेशल। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप मतलब पर पर्सन 10 रुपीज़ हैं मेरी एज के, तो 10 रुपीज़ पर पर्सन, और इन्होंने कहा कि 20 रुपीज़ दे दो और बाइसाइकिल के भी चार्जेस हो गए उसके बीच में, बट बाइसाइकिल अंदर चलाना मत, उसको मेरे पास ही पार्क कर दो। तो 20 रुपीज़ में मेरा काम हो गया। और अभी आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत पार्क है, पीछे आप देख ही रहे हो क्या ग्रीनरी है। शॉर्ट्स दिखाता हूँ कैसे हैं ये, सुबह के टाइम भी किस दिन आएंगे कमेंट करो। बहुत सारा कंटेंट है जम्मू में, आपको बहुत सारी वीडियोज़ अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। उस साइड वहाँ पर तभी है जो सुबह के टाइम आपको देखने को मिलेगी, यहाँ रात के समय तो कैमरा में कैप्चर नहीं होने वाली है, पर बहुत खूबसूरत है। तो सुबह के टाइम भी ज़रूर मैंने सोचा हुआ है कि एक दिन आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि सुबह के टाइम ये जगह कैसी रहती है। यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सुबह के टाइम कोई भी नहीं होता यहाँ पर। गाइस कुछ समय पहले ही यहाँ पर 17 माइल्स का एक आउटलेट भी खुला है। तो गाइस यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की एक स्टैचू भी बनी हुई है बीचों बीच JDA पार्क।
तो इसे जेडीए पार्क भी कहते हैं और इस पार्क का दूसरा नाम है महाराजा हरि सिंह पार्क। अब जम्मू से बाहर से देख रहे हैं कोई एक या दो गिना चुना बंदा, तो आप लोगों को बता दूं कि महाराजा हरि सिंह जी हमारे जम्मू के लास्ट महाराजा थे, उनके ऑनर में ये पार्क बनाया गया है और ये पार्क की मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से की जाती है और ये पार्क के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सफाई देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया वेल मेंटेन्ड पार्क है ये और वन ऑफ द बेस्ट, इसे भी कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट पार्क इन जम्मू। और काफ़ी सारे रेस्ट शेड भी हैं जो कि बैठने के लिए हैं, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही बढ़िया है ये। आप देख सकते हैं यार क्या मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। और सुबह अगर आप आएंगे तो सुबह आपकी टिकट भी नहीं लगेगी, आप फ्री में जा सकते हैं बिफोर मे बी 8 AM के आसपास, मतलब अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे तो यहाँ पे आपकी टिकट भी नहीं लगेगी। मैं आपको एक नया एक्शन कैमरा का नया माउंट दिखाना चाहता हूँ, तो आप एक बार पहले वीडियो देखिए। गाइस ये छोटी सी क्लिप आपने देखी, मैंने पूरी क्लिप नहीं बनाई ज़्यादा, तो आपको कैसा लगा ये माउंट सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना। और यार ये हेलमेट की वजह से मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट राइड में मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले माउंट को भी बीच बीच में यूज़ किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइट है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वीडियो क्लियर आ रही है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हर संडे शाम को 4 बजे आने वाली हैं। हर संडे कोशिश कर रहा हूँ मैं कंसिस्टेंसी, अभी तक तो है, लास्ट 2-3 संडे से मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।